वैसे तो उत्तराखंड ट्रैकिंग के लिए बहुत मशहूर माना जाता है, जहां पर कुछ ट्रैक ऐसे भी हैं जो कि काफी कम लोगों के बीच में चर्चित हैं। मैं बात कर रहा हूं ब्रह्मताल ट्रैक के बारे में, जो कि काफी खूबसूरत ट्रैक है, जहां पर ब्रह्मा जी ने वेद पढ़े थे। और ये ट्रैक मैं आपको कराने वाला हूं, बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप ये ट्रैक कर पाएंगे, कितने दिन लगेंगे और कितना ज़्यादा आपका खर्चा आने वाला है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, जिससे कि सभी ये ट्रैक कर सकें। ब्रह्मताल ट्रैक करने के लिए पहले दिन का सफर शुरू होता है देहरादून से। देहरादून से ऋषिकेश होते हुए आपको कर्णप्रयाग होते हुए जाना पड़ता है लोहाजुंग। लोहाजुंग एक बेस कैंप है, जहां से असल में आपकी ट्रैकिंग शुरू होती है ब्रह्मताल ट्रैक के लिए। देहरादून से ये सफर होता है लगभग 295 किलोमीटर का, जिसको पूरा करने के लिए लगभग 10 से 11 घंटे या 12 घंटे तक भी लग सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप दिल्ली से चलकर देहरादून पहुंच जाते हैं तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बाय रोड, बाय प्लेन या फिर बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। बट देहरादून पहुंचने के बाद आपके पास कोई भी ऐसा डायरेक्ट साधन नहीं होता जिससे कि आप लोहाजुंग पहुंच सकें। तो मैंने यहाँ पर अपनी बुकिंग करा ली है रफ्तार एडवेंचर के साथ में, जो कि मुझे डायरेक्ट देहरादून से पिकअप करने वाले हैं और लोहाजुंग लेकर जाने वाले हैं। तो मैं पहुंच जाता हूं अगले दिन की सुबह देहरादून। देहरादून से मेरा पिकअप होने वाला है लोहाजुंग के लिए, और ये सफर मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूं कि कैसा रहने वाला है। जैसे मैं देहरादून पहुंचता हूं तो यहां पर हमारी टैक्सी आ जाती है, टैक्सी में हमें लोहाजुंग के लिए लेकर जाया जाता है। ये सफर काफी ज्यादा थका देने वाला होता है, लगभग 10 से 11 घंटे आपको देहरादून से सिर्फ लोहाजुंग पहुंचने में लग जाते हैं। यहां पर ये सफर करते करते लगभग 4 से 5 ब्रेक लिए जाते हैं हमारे ड्राइवर द्वारा, जिससे कि हम ज्यादा थकान महसूस ना करें। रिफ्रेशमेंट के लिए आपको रास्ते में जगह जगह होटल की सुविधा मिल जाती है, जहां पर आप आराम से भरपेट खाना खा सकते हैं, भोजन भी कर सकते हैं, तो किसी भी तरीके की आपको दिक्कत नहीं आती है। वहीं अगर रास्ते की बात करी जाए तो रास्ता भी काफी हद तक अच्छा बना हुआ है, किसी भी तरीके की मतलब आपको रास्ते में दिक्कत भी नहीं आने वाली है और आप काफी स्मूथली लोहाजुंग पहुंच जाते हैं। वहीं देहरादून से लगभग 10 घंटे का सफर तय करने के बाद में रात को हम 7 बजे के आसपास लोहाजुंग पहुंच जाते हैं, जो कि 7600 फीट की ऊंचाई पर है, जहां पर रफ्तार एडवेंचर का होम स्टे भी स्थित है। होम स्टे भी आप सामने देख सकते हैं, काफी अच्छे से यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है। होम स्टे को काफी अच्छी रहने की यहाँ पर फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं, तो जरूर आप इसको कंसीडर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बोनफायर भी देखने के लिए मिलती है। रात के समय जैसे हम आकर फ्रेश होते हैं तो हमें खाना भी मिल जाता है, यानी कि अपना डिनर भी मिल जाता है। वही दूसरे दिन की सुबह लोहाजुंग से हमारा ट्रैक शुरू होता है 6 किलोमीटर लंबा, जिसमें कि 4 से 5 घंटे लगेंगे और हम आखिर में पहुंचेंगे बेकल ताल। ये ट्रैक काफी ज्यादा आसान होने वाला है, तो सुबह बेस कैंप से हम जल्दी उठ जाते हैं। उठने के बाद फ्रेश होने के बाद हमें मिल जाता है हमारा ब्रेकफास्ट, जो कि काफी ज्यादा टेस्टी होता है, हाइजीनिक होता है। तो यहाँ पर आप फूड के लिए कोई भी दिक्कत परेशानी महसूस नहीं करेंगे। साथ में हमें बताया जाता है कि किस तरीके से हम ट्रैक करेंगे, तो ट्रैक रिलेटेड हमें यहाँ पर ब्रीफिंग भी मिल जाती है। साथ ही बताया जाता है कि क्या क्या ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ट्रैकिंग गियर्स रेंट करना चाहते हैं तो रफ्तार एडवेंचर से भी रेंट कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर और वेबसाइट आप स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में भी देख पाएंगे, जिसमें कि आप ट्रैकिंग शूज से लेकर पोंचो से लेकर गेटर्स, बाकी सभी चीजें, जैकेट्स वगैरह रेंट कर सकते हैं रफ्तार एडवेंचर के थ्रू। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है अगर आप कोई भी ट्रैकिंग गियर नहीं खरीदना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग ट्रैकिंग कभी कभार ही करते हैं उनके लिए काफी एक्सपेंसिव हो जाता है, महंगे ट्रैकिंग गियर्स खरीदना काफी ज्यादा उनको कॉस्टली पड़ जाता है, तो एक अच्छा अल्टरनेटिव ऑप्शन हो जाता है। वही ट्रैकिंग करने से पहले हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है, जिसके बाद हमें मिलती है ट्रैकिंग के लिए परमिशन, और ये सभी काम हमारे लिए करते हैं रफ्तार एडवेंचर, तो आपको ये हेडेक भी लेने के लिए जरूरत नहीं है। अब हम फाइनली पहुंच जाते हैं ट्रैक करते करते लोहाजुंग के मेन चौराहे पर, मेन चौक पर, जहां से हमारा ट्रैक शुरू होता है। और ये ट्रैक शुरुआत में काफी ज्यादा समतल ही रहता है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, इजी टू मॉडरेट में ट्रैक माना जाता है। आप सभी ये ट्रैक बहुत ही आराम से कर सकते हैं, जो बिगनर्स हैं वो भी इस ट्रैक को बहुत आराम से कर सकते हैं। जगह जगह आपको लगभग यहाँ पर ढाबे भी मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको खाने से रिलेटेड भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और रास्ते में आपको काफी अच्छे व्यूज भी देखने के लिए मिलते हैं। वहीं ब्रह्मताल ट्रैक करने के लिए आपको 4 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे कि एक ट्रैकिंग पोल, ट्रैकिंग शूज, क्रैम्पोन्स, और आपको जरूरत पड़ती है गेटर्स की। इन सभी चीजों के थ्रू ही आप इस ट्रैक को अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आगे जाकर जो स्नो है काफी ज्यादा डेंस देखने को मिलती है, जिसलिए कि आपको गेटर्स और क्रैम्पोन्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो डे वन लगभग 6 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद में आखिरकार हम पहुंच जाते हैं अपने कैंप में, जहां पर हमारा कैंप पहले से ही सेटअप होता है। जिस जगह हमारा कैंप सेटअप है, इस जगह को हम कहते हैं बेकल ताल, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत जगह है, और जहां पर पहुंचने में लगभग हमें 5 घंटे का ही समय
लगा। जब हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो हमारे लिए पहले से ही लंच तैयार होता है किचन स्टाफ द्वारा। तो यहाँ पर हमें खाने को मिल जाते हैं राजमा चावल, साथ में यहाँ पर सैलेड भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। काफी अच्छी यहाँ पर हम खाने की फैसिलिटी भी देख सकते हैं। बेकल ताल की ऊंचाई की अगर बात करें, समुद्र तल से लगभग 9200 फीट की ऊंचाई पर ये ताल स्थित है। अगले दिन की सुबह जब हम उठते हैं तो काफी अच्छा यहाँ पर हमें वेदर देखने को मिलता है, साथ ही हमें मॉर्निंग होते ही अपनी मॉर्निंग टी भी मिल जाती है, जिसके साथ दिन की शुरुआत काफी ज्यादा एनर्जेटिक हो जाती है। आज के दिन यानी कि तीसरे दिन हम बेकल ताल से चलकर झंडी टॉप होते हुए जाने वाले हैं ब्रह्म ताल के लिए, जो कि लगभग 7 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस होने वाला है। कवर करने में लगभग हमें 5 से 6 घंटे तक का समय लगने वाला है, इसलिए ही बेकल ताल से ही हम अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से कर चलते हैं, साथ ही जो हमारा लंच होता है वो भी पैक हो जाता है, जिससे कि हम रास्ते में रुककर अपना लंच कर सकें। रास्ते में बेकल ताल के बाद में आपको झंडी टॉप पर ही सिर्फ और सिर्फ खाने की फैसिलिटीज मिलेगी, ढाबे की फैसिलिटीज मिलेगी, जो कि लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहीं अगर ब्रह्मताल ट्रैक की पूरी लंबाई की बात करें तो लगभग 12.5 किलोमीटर लंबा ट्रैक एक साइड से होता है, तो यानी कि आना जाना लगभग 25 किलोमीटर लंबा ट्रैक आपको पड़ जाता है। इजी टू मॉडरेट में ट्रैक आता है, नवंबर से लेकर लगभग मार्च तक ये ट्रैक चलता है, तो बहुत ही आराम से कर सकते हैं। हालांकि इस बार यहाँ पर काफी कम स्नो देखने को मिली, हर बार के मुकाबले यहाँ पर काफी कम स्नो थी। वहीं अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपको स्नो 2 से 3 फीट या 4 फीट तक भी देखने को मिल जाती है। ऐसे ही हम ट्रैक करते हुए लगभग 3.5 किलोमीटर चलते हैं और पहुंच जाते हैं झंडी टॉप, जहाँ पर हमें प्यारा सा ढाबा देखने को मिल जाता है और यहाँ पर बैठकर हम चाय पीते हैं, साथ ही अपना जो खाना हम पैक करके लाए थे वो भी हम इंजॉय करते हैं। वहीं अगर पूरे ट्रैक की ही बात करी जाए तो आपको यहाँ पर कोई भी चार्जिंग की फैसिलिटी तो नहीं दी जाती है, तो अगर आप चाहें अपने साथ पावर बैंक ला सकते हैं और अपने साथ इस तरीके की सोलर चार्जर भी ला सकते हैं, जिससे आप चार्ज कर पाएंगे अपने मोबाइल डिवाइसेस को, जैसे कि मैं अपने पावर बैंक को कर पा रहा हूँ। वहीं झंडी टॉप से अपना लंच करने के बाद में अब हम आगे बढ़ जाते हैं ब्रह्मताल ट्रैक के लिए, जहां से लगभग 5 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें कवर करना होता है। हालांकि यहां पर ज्यादा आपको चढ़ाई देखने के लिए नहीं मिलती है, बट ये पैच काफी ज्यादा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि यहां पर काफी कम स्नो थी, जिसकी वजह से कीचड़ भी आपको ज्यादा देखने के लिए मिली। आने वाले समय में उम्मीद है कि दोबारा से स्नोफॉल होगी और उसके बाद यहां पर चलना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इस पूरे सफर को तय करने में लगभग हमें 3 घंटे तक का समय लग जाता है, क्योंकि ये पैच काफी ज्यादा टेक्निकल है, ट्रिकी है, इसको आराम से करना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे गाइड के गाइडेंस के साथ में हम इस ट्रैक को काफी अच्छे से कर सके। वहीं ब्रह्मताल लेक पर पहुंचने से पहले यहां पर आपको काली माता का मंदिर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है, प्रसिद्ध है, और यहां पर हम आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है ब्रह्मताल लेक, जहां पर ब्रह्मा जी ने वेद पढ़े थे, और ये ट्रैक इसलिए ब्रह्मताल ट्रैक के नाम से या ब्रह्मताल लेक के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर लेक देखने के बाद में हम आगे बढ़ जाते हैं अपनी कैंप साइट की तरफ। बेकल ताल से ब्रह्मताल आने में लगभग हमें 6 घंटे तक का समय लगा, और ये लगभग हमारा 7 किलोमीटर लंबा ट्रैक था, तो काफी ज्यादा हम थक चुके थे। जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचते हैं तो हमें मिल जाती है एक गर्म चाय और रात का हमें डिनर मिल जाता है, जिसके बाद हम थक कर सो जाते हैं, क्योंकि इस दिन काफी ज्यादा थकान हमें महसूस होती है और अगले दिन इससे भी ज्यादा हमें चलना होता है। चौथे दिन की सुबह हमें ब्रह्मताल से पहले जाना होता है ब्रह्मताल पीक, जो कि 2 किलोमीटर लंबा है, और रिटर्न आना होता है झंडी टॉप, जो कि 3 किलोमीटर लंबा है। झंडी टॉप से हमें जाना होता है लोहाजुंग, जो कि लगभग 7 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, पूरा लगभग हमें 12 से 13 किलोमीटर लंबा ट्रैक करना होता है, जिसके लिए हम सुबह से ही रेडी हो जाते हैं। हमें सुबह ब्रेकफास्ट हमारा मिल जाता है, ब्रेकफास्ट लेने के बाद में अपना लंच हम पैक करा कर चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा टास्क था ब्रह्मताल से ब्रह्मताल पीक जाना, जो कि लगभग 2 किलोमीटर लंबा ट्रैक था। इस ट्रैक को करने में लगभग हमें 2 घंटे ही लग गए। ब्रह्मताल बेस कैंप से ब्रह्मताल पीक के लिए ये डिस्टेंस काफी ज्यादा छोटा है, पर थका देने वाला है। साथ में हमें ब्रह्मताल लेक भी देखने के लिए मिलती है, जो कि पूरी तरीके से फ्रोजन होती है। ब्रह्मताल पीक चढ़ते समय लगभग आपको 80-85 डिग्री के एंगल पर ट्रैक करना होता है, जो कि काफी ज्यादा चुनौती भरा होता है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट आपकी ट्रैकिंग को बना देता है। पर इतनी सारी चुनौती के बाद भी हम आखिरकार पहुंच जाते हैं पीक पर, जहां से हमें बाकी सभी पीक जैसे कि त्रिशूल और बाकी सभी ट्रैक हमें देखने के लिए मिलते हैं, और कहीं ना कहीं हमें काफी ज्यादा जोश और उत्साह यहां पर महसूस होता है। वहीं पीक से अब हमारा अगला टास्क होता है वापिस झंडी टॉप आना, जो कि काफी ज्यादा टेक्निकल और ट्रिकी पार्ट था। यहां पर हमें क्रैम्पोन्स और साथ में गेटर्स की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो स्नो है काफी ज्यादा डेंस है और यहां पर आपको खाई भी देखने के लिए मिलती है। ये चुनौती भरा पार्ट है, इस पार्ट को हमेशा आपको काफी संभल कर करना होगा, अपने गाइड की निगरानी में करना होगा, अन्यथा यहां पर आपको काफी ज्यादा परेशानी भी आ सकती है। और इस पोर्शन को पार करने में ही लगभग हमें 1 घंटा लग गया, जिसके
बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं झंडी टॉप। झंडी टॉप से अब हमारा आगे का सफर लगभग 7 किलोमीटर का ही रह जाता है। एक शॉर्टकट के थ्रू हम झंडी टॉप से होते हुए लोहाजंग पहुंच सकते हैं, जिसमें हमें लगभग 3 घंटे का ही समय लगता है और लगभग शाम को 5 बजे तक हम लोहाजंग पहुंच जाते हैं, जिसके बाद हम रात की सांस लेते हैं और हमारा पूरा ट्रैक कंप्लीट हो जाता है। अगले दिन की सुबह हम लोहाजंग से निकलकर देहरादून के लिए पहुंच जाते हैं, जिसमें हमें फिर 10 घंटे का ही समय लगता है, जिसके बाद हमारा ट्रैक पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आप भी ब्रह्मताल ट्रैक अच्छे से करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 5 दिन का समय लेकर चलना चाहिए, जिसमें कि 2 दिन आपको सिर्फ देहरादून से लोहाजंग और लोहाजंग से देहरादून वापस आने में ही लगेंगे और 3 दिन आप ट्रैक करने में लगा सकते हैं। काफी अच्छे से आप ट्रैक को अनुभव कर पाएंगे और सभी सराउंडिंग्स को अच्छे से समझ पाएंगे, ट्रैक को भी अच्छे से समझ पाएंगे। हालांकि कुछ लोग तो इस ट्रैक को 4 दिन में भी कंप्लीट कर लेते हैं और कुछ लोग इस ट्रैक को 6 दिन में भी कंप्लीट करते हैं, डिपेंड करता है आपका अनुभव कितना है और आप ट्रैकिंग किस प्रकार करना चाहते हैं। वहीं ब्रह्मताल ट्रैक करने के लिए पर पर्सन का खर्चा अगर देहरादून टू देहरादून देखा जाए तो 5,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए तक हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितने दिन के लिए ट्रैक करने के लिए जा रहे हैं, किस कंपनी के थ्रू ट्रैक कर रहे हैं। अगर मेरी तरह ही आप भी ब्रह्मताल ट्रैक करना चाहते हैं या फिर उत्तराखंड में स्थित और कोई ट्रैक करना चाहते हैं तो आप जरूर रफ्तार एडवेंचर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर आपकी स्क्रीन पर साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, आपको कोई वैल्यू मिली हो तो जरूर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।